नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके होस्ट प्राची पांडे और तेज खबर 24 के सभी दर्शकों का तेज खबर 24 में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित बैजू धर्मशाला में, जो कि बहुत ही पुरानी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपको लेकर क्योंकि आए हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनकर तैयार होने जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये नगाड़ा यहाँ पर बन रहा है और जिसका वजन लगभग 1100 किलोग्राम है और जिसकी ऊंचाई 6 फीट है और इसका साइज जो है 12x12 का है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं कि ये नगाड़ा किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस नगाड़े को 12 मार्च को अयोध्या जी ले जाया जाएगा, जहां वहां पर दान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस नगाड़े को दिल्ली और अलीगढ़ के साथ साथ कुछ लोकल कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके लिए चमड़ा कानपुर से आ रहा है। आपको बता दें कि इस नगाड़े को बनाने में लगभग 5 लाख की लागत लग रही है। बता दें कि हाल ही में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनकर राम मंदिर को दिया गया है, जो कि गुजरात से बनकर अयोध्या जी गया था, जिसका वजन 500 किलोग्राम था और उसका साइज 6x6 का है। और अब रीवा में उससे भी बड़ा नगाड़ा बनकर तैयार होने जा रहा है, जो कि विशेष अवसर पर अयोध्या राम मंदिर में दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? लोकुश गुप्ता। यह नगाड़ा किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है, इसके बारे में आप हमको बताएं। इसी बरात आयोजन समिति जन कल्याण के थ्रू मतलब बनाया जा रहा है अपना संस्था से। और इस नगाड़े को अपन बड़े अच्छे ढंग से कानपुर से, लखनऊ से और अपने इलाहाबाद से सभी जगह से मिस्त्री आए हुए हैं और अपना उसको मैनेज कर रहे हैं। चमड़ा लाया गया है, चमड़ा इलाहाबाद और कानपुर से लाया गया है और इस चमड़े को अपन डेकोरेट करवा रहे हैं और उसको अपने वुडन लकड़ी से पूरा सजाया जाएगा और ऊपर फिर चमड़े को 12x12 का बना के उसको लगाया जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं कि ये नगाड़ा विश्व का जो सबसे बड़ा नगाड़ा ये बनकर तैयार हो रहा है, तो ये बनाने का उद्देश्य आपके मन में कैसे आया, आपके मन में विचार कैसे आया? एक्चुअली में क्या है कि जब भगवान राम की ये यहाँ प्रतिष्ठा हुई अयोध्या जी में, तो ये हुआ हमारे पास शिव बारात में हर बार ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे पिछली बार खिचड़े का रखा गया, इस साल हमारा कमेटी ने ये बोला कि भाई कुछ नई चीज रखी जाए, तो नगाड़े का दिमाग में आई बात और इसको लिमका और उसमें आपके एशिया बुक में रिकॉर्ड के लिए अपन ने वो किया और इसको बनाने की तैयारी की जा रही है। और आप हमें ये बताएं कि इसको बनने में लगभग कितना समय लगेगा और मतलब अभी तक कितना समय लगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। ये 3 महीने से इसका प्रोसेस चल रहा है और अभी मेरे ख्याल से करीब 1 हफ्ते अभी समथिंग और अभी लग जाएगा। आप इसमें 8 तारीख तक में मतलब माल एकदम रेडी हो जाएगा, मेरा नगाड़ा रेडी हो जाएगा। इसको बनाने में लगभग कितना खर्चा आया होगा? समथिंग 3 से 4 का समथिंग खर्चा है और जो इसकी ढांचे का बनाया गया है उसका समथिंग जा रहा है करीब, मान लीजिए 2 से 3 उसमें भी खर्चा है अलग ढांचे का, समथिंग 8 से 10 लाख का खर्चा आपको। नगाड़े के बारे में बताइए कि इसकी लंबाई चौड़ाई और इसका वजन कितना है? इसकी गोलाई समथिंग है 35 फीट और जो इसके ऊपर की उसमें लग रहा है चमड़ा, वो 12x12 का लग रहा है और इसकी ऊंचाई समथिंग मान लीजिए 8 फीट की है, समथिंग 8 फीट की ऊंचाई है। और क्या पूछा है बताइए। और ये किस अवसर पर अयोध्या जी जाएगा और कैसे साज सज्जा इसे की जाएगी और व्यवस्था क्या की जाएगी यहाँ से अयोध्या जी लेके जाने में, जो सुरक्षित अयोध्या जी तक पहुँच सके ऐसा? ये अपन ने टेलर में पहले 8 तारीख को शिव बारात, उसमें जिस दिन बारात निकलेगी भोले बाबा की, उस दिन ये टेलर में रहेंगे और इनका सब जगह पूरे शहर में अपने भ्रमण किया जाएगा और पचमठा धाम में इन्हें रखा जाएगा। फिर वहाँ से अपन 2 दिन उसी टेलर में लोड रहेगा और 12 तारीख को हम लोग सुबह 8 बजे यहीं बैजू धर्मशाला से लेके प्रस्थान करेंगे, जिनमें से 101 गाड़ियाँ रहेंगी हम लोग की बाई कार। तो शिव बारात में भी इसको आप लोग निकालेंगे? पूरा शिव बारात में निकलेगा और 101 गाड़ियों के साथ यहाँ से अयोध्या धाम के लिए अपन प्रस्थान करेंगे। वहाँ पूरा जल पान खाना पीना रहने की व्यवस्था पूरा शिव बारात आयोजन कल्याण उसका वो करेंगे। और अयोध्या में आप लोगों की पूरी बातचीत हो गई है? हाँ, पूरा रखने का वहाँ कहाँ रखना है उस चीज का पूरा मैनेजमेंट हो गया, भगवान के
अच्छा, तो अयोध्या में जी में ये रोज बजाया जाएगा, आप लोगों की ऐसी बात भी हुई है कि मतलब रोज बजाया जाएगा नगाड़ा? अभी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है ना बोला है। ये बोले कि यहाँ अपन लाएंगे, फिर वहाँ उस अपनी सुविधा से उन लोग बजाएंगे और कार्यक्रम। इसको बजाना भी इतना आसान नहीं होगा, इतना बड़ा है ये, तो इसको कैसे बजाने की व्यवस्था की जाएगी? अपन जो डंडा बजाया जाता है जैसे अपन के धमाल वगैरह बजते हैं उसी तरह सिस्टम में रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं। 8 आदमी बजाए चाहे 4 आदमी बजाए। तो आप ये बताइए कितनी सारी गाड़ियां जा रही हैं नगाड़े को लेके और आप सभी लोग साथ में जा रहे हैं, तो आपके साथ टीम में कौन कौन है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वहां तक पहुंचने के लिए? हमारे साथ पूरा शासन की व्यवस्था है, साथ में हम लोग ने मेडिकल के लिए 2 एम्बुलेंस, 4 डॉक्टर्स और नर्स सभी की व्यवस्था करके जा रहे हैं। रास्ते में नाश्ता अपना है, पूरा खाना है, और यहाँ से ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ पानी। व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से है कि आप? हमारा शिव बरात जन समिति जन कल्याण कमेटी करते हैं पूरा, ये कमेटी की तरफ से सब कुछ। जगह जगह स्वागत होगा फूलों से, यहाँ से जैसे चलेगी हमारी शोभा यात्रा अयोध्या जी के लिए, तो जगह जगह अपन जैसे यहाँ से इलाहाबाद 2-3 बार आदमी हुआ है, तो लोगों से बातचीत हुई, व्यापारियों में काफी उत्साहित है लोग कि आएगा नगाड़ा, ये अयोध्या जाएंगे ना, उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे, काफी उत्साहित है लोग इस चीज के लिए। जी हाँ, और हनुमाना मऊगंज, मतलब हनुमाना है, देवतलाव है, मतलब जितने भी रास्ते में गंगेव है, कटरा है, सब जगह आपका सुहागी है, सभी व्यापारी लोग भी वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि अब निकलेगा नगाड़ा, हम लोग आए स्वागत कर, ऐसा है। अब इसको और भी सजाया जाएगा, अभी फूलों से सजेगा, इसमें नाम भी लिखा जाएगा शिवरात जन कल्याण, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का भी नाम रहेगा, और बाकायदे इसमें सब कुछ बाकायदे डेकोरेशन होगा। जब आप डेकोरेशन इसका देखेंगे, फ्लावर्स का जो डेकोरेशन है, स्टैंड बनेगा, अभी पूरा अलग स्टैंड बनेगा, उसमें 2 झंडे रहेंगे राम जी हनुमान जी, और बाकायदे मतलब उसको जो डेकोरेशन है वो आपको डिजाइन कैसे दिखाऊं मैं ऐसा है ना। कोई विशेष विशेषता बताएं जो कि यहाँ से अयोध्या जी जाएगा तो वहाँ रीवा में एक अपना नाम होगा कि ये विंध्य क्षेत्र के रीवा से आया हुआ है। ये अपने जो देश में जो मतलब अपने यहाँ जो नगाड़ा रखा हुआ है अयोध्या में, जो अभी हम लोगों ने सर्च किया, वहाँ 8 फीट का नगाड़ा रखा हुआ है, अपन ने इसको 12 फीट का नगाड़ा बनाया, और ये हम लोग की श्रद्धा है कि अपन जो भी काम करें रीवा का हमारे नाम रोशन हो, और अयोध्या धाम में जब ये रखा रहेगा तो अलग ही एक लुक और एक अलग ही तरीके से इसको वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। कहीं जो अभी गुजरात से आया था नगाड़ा 8 फीट का, हाँ, तो उसे देख के तो आप लोगों को प्रेरणा नहीं आई? वही प्रेरणा समझ लीजिए आप, कहीं ना कहीं कुछ तो देखता है आदमी तभी तक। हाँ, उसे हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अगर ये काम ऐसा हुआ तो हम भी कोशिश करेंगे उससे बड़ा करने, इस कारण से इसको अपन ने रखा। तो ये आपकी संस्था अयोध्या जिम्मेदान करेगी? अयोध्या जिम्मेदान करेगी, हमारी कमेटी है शिव बरात जन समिति जन कल्याण, हमारे अध्यक्ष है मनीष गुप्ता जी, और उनके थे। तो अभी हम स्थित हैं रीवा के सबसे प्राचीन बैजू धर्मशाला में, जहां आपने अभी तक देखा कि यहां पर विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनकर तैयार हो रहा है, जो कि शिव बारात के माध्यम से इसको निकाला जाएगा शिवरात्रि के दिन, और ये पशुमठ मंदिर पहुंचेगा, वहां पूजा अर्चना के बाद इसको 12 तारीख को अयोध्या जी जलाया जाएगा, जहां पर लोग पुष्प वर्षा से जगह जगह इस नगाड़े का स्वागत करेंगे, और उसके बाद इसे अयोध्या में समर्पित किया जाएगा, अयोध्या में दान किया जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे तेज खबर 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।